सभी दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे ओला की। तो गाइस इन दिनों में ओला ने नाम बहुत सताया है, इतना सताया कि आज उसकी फुल डू डेट है। तो गाइस ओला बहुत बड़ी कंपनी, तो प्लीज ओला का ये वीडियो देखकर ज्यादा पॉजिटिव लगेगा कि हर समय आपके ऑफिस में आएगा। छोटी बड़ी इमरजेंसी फाइल के लिए मैं 30 रुपए का बात करता हूं और कंप्लेंट करूं, ये फालतू दिया तो ओला ने बस ये ठीक से करना चाहिए। तो बस मजा नहीं आया ना यार, हमने नाम दिया रोस्टिंग को और हम रोस्टिंग नहीं कर रहे तो इसमें मजा नहीं आएगा यार। एमबीके का चैनल पहला रोस्टिंग है तो भाई रोस्टिंग तो होकर ही रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो एक ये बात है ना ओला की, मतलब ये ओला की खासियत है क्या, उनमें क्या चलता है मालूम नहीं, लेकिन ओला के ड्राइवर और ओला की कंपनी में हमेशा झगड़ा चालू होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्योंकि कुछ पेमेंट को लेकर होता है, कभी कुछ पेट्रोल को लेकर होता है। पर इनमें पीसते हम आम आदमी जो ओला रेगुलर यूज़ करते हैं और जो चाहते हैं कि हम देश के ही प्रोडक्ट यूज़ करें, पर ना मुन्ना ना, ओला इधर से जल्दी सुधरे हुए ओला ही क्या है ना, फिर से बोलते हैं, जो जल्दी सुधर जाए वो ओला ही क्या। वाह वाह, यस परफेक्ट, ओके वाह वाह। मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का, मार तेरी। तो एक बात मैं बताऊँ, 4 महीने पहले भी मैंने ओला जब बुक की थी तब सेम यही प्रॉब्लम था कि ड्राइवर का झगड़ा चालू था ओला से, पेमेंट से लेके। तो ड्राइवर ने मुझे कहा, बेटा सुन, ओला को पेमेंट ना मत दो, मुझे गूगल पे कर। तो मैंने कर दे, गुड, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको दे उसको। बाद में फिर जब सेकेंड टाइम मैंने जब फिर से ओला बुक किया और मैंने कहा कि ड्राइवर भाई आपको पेमेंट दे दूँ, तो वो बोला नहीं भाई ओला को दे दे। ठीक है, वो भी मानता हूँ। फिर जब थर्ड टाइम मैंने ओला बुक किया और मैंने बिफोर राइड ही पेमेंट कर दिया, चलो बैठे बैठे पेमेंट हो गया, तो ड्राइवर मुझे चिल्लाने लगा, आपको समझता नहीं है क्या कि आपने डायरेक्ट पेमेंट कैसे कर लिया, ओला को क्यों दिया, मुझे देना चाहिए था, आगे से ध्यान रखो। मतलब ऐसा ही समझ, ये हमारे गुरु लग के गए, टीचर है, ऐसे डांट रहे हैं हमें, यानी कि हम इनको पैसे देते, ऐसे भी नहीं हम फ्री में चल दे रहे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और ड्राइवर भी इतने आतरंगी मिलते हैं कभी कभी, एक अच्छा मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वरना चल दे पूरा राइड तक दिमाग खाते चलेंगे, तो ओला ने ये किया, ओला पेमेंट नहीं दे, अरे मैं क्या करूँ, करूँ क्या, मैं करूँ तभी क्या, मतलब मैं अपने फंक्शन को अटेंड करूँ, मेरा मूड फ्रेश होता है, पर नहीं, ये मूड खराब करेंगे, ये करेंगे। और इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं, ओला की गलती है, क्योंकि ओला ठीक से उनको पेमेंट नहीं दे रहा, हम तो पैसे दे रहे हैं भाई, मतलब ओला को दो या ड्राइवर को दो, हम हमारे पैसे दे रहे तो हमारा कोई इशू नहीं होता वहाँ पे। लेकिन यार एक ऐसी बात जो शायद किसी को भी हजम ना हो, ओला का कॉल सेंटर ही नहीं है। चल झूठा झूठ बोल रहा है ये कस्टमर केयर ही नहीं, मतलब गूगल पे शो कर रहा है नंबर, आप जाके देखना जरूर, पर नहीं भाई कस्टमर केयर लगेंगे नहीं, अगर लगता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना कि लगा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने बात की कौन से लैंग्वेज में की, वो भी बता देना, हो गया तो मैं भी मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप 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 बिल्कुल चुप। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। ओके तो थर्ड बात कर देना, ओके मेरा छोटा बच्चा है, इट्स ओके। प्लीज गाइस बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी आएंगी, जरा संभाल लेना भाई को, नया हो। तो बात करते हैं हम प्राइस की, यार प्राइस तो ऐसे ही नहीं, जितना शेयर मार्केट में शेयर जल्दी नहीं बढ़ता ना, उतने जल्दी वो लगे प्राइस बढ़ते और कम हो जाते। मतलब यहाँ पे आपको 20 रुपये दिखाएंगे ना, जस्ट मिनट में वो 80-90 हो जाएगा। रियली यस ऑफकोर्स रियली, ये मेरे साथ हो चुका है, मतलब मैं 150 की राइड को मैंने 350 रुपये प्राइस दिया है, मतलब ये कौन है, ये मतलब ये प्राइस बढ़ाने वाला कौन है ना ओला के ऑफिस में, उसको मिलना ज़रूर है यार, मतलब अगर उसके थोड़े से भी टिप मिल जाए ना, हम राकेश झुंझुन वाला बन जाए, अभी वॉरेन बफे। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। पैसा ही पैसा होगा। बड़ी बात है ना, ऐसे मतलब ऐसे प्राइस बढ़ाता है ना, ऐसे प्राइस बढ़ाता है ना भाई, मतलब आप सोचेंगे ही नहीं, आपको लगेगा यार ओला इतना सस्ता है, कल हम इस पे राइड करेंगे
यहाँ पे शो करेगा 150 रुपए, कल 350 हो जाएंगे। फिर आपका बजट पूरा हिल जाएगा, फिर समझ लो अपना बस ही बिंदा से 30 रुपए दो और चले जाओ अपने किसी भी फंक्शन में। ओके, फनी लग रहा है ना, एंटरटेनमेंट हो रहे हो ना आप? नहीं ठीक है, ये पहला रोस्टिंग है यार, संभाल लेना अपने भाई को। ओके, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। तो कुछ ओला के यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, मतलब इन्होंने सॉर्ट आउट करने चाहिए, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे पीस रहे हैं, इन दोनों के झगड़े में हम पीस रहे हैं। मतलब फैमिली को अगर कहीं जाना है तो मैं खुद राइड बुक करता हूँ, और वहाँ पे फैमिली की भी सुनो यार, जल्दी बुक कर, सस्ती बुक कर, इतना महंगा क्यों बुक किया। और यहाँ पे बाद में ड्राइवर की भी सुनो, ड्राइवर का होने के बाद, फैमिली का होने के बाद, फिर अपना ओला तो जिंदाबाद। ओला, योर पेमेंट इज पेंडिंग, मतलब 175, या फिर मेरे पैसे मेरे अकाउंट से कट गए, ड्राइवर को भी मिल चुके, ड्राइवर को भी उसके ऐप में बता रहा है कि पेमेंट इज सक्सेसफुल, मेरे राइड में भी पेमेंट सक्सेसफुल बता रहा है, पर वो मैसेज क्या दे रहा है, पेमेंट इज ड्यू। ओ भाई मारो मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। पेमेंट हुआ ही नहीं, ऐसे कैसे, मतलब कौन अकाउंटेंट है इनका, या फिर कौन ये ऐप हैंडल कर रहा है, जो मतलब बुकिंग ही नहीं हो रहा ठीक से यार, बहुत इशू हो रहा है मतलब। और सबसे प्लस मतलब बड़ी बात जो ओला की हमेशा होते, हमेशा की प्रॉब्लम ओला की यही है ना, जब भी कहीं पे इमरजेंसी में जाना हो, ध्यान से सुनना, जब भी कहीं इमरजेंसी में जाना हो, उसी दिन पक्का इनकी हड़ताल चालू रहती है। नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला है अलगला। मैं बोला ना, इन दोनों में झगड़ा हमेशा चालू रहता है, उनमें पिसते हम। मतलब यहाँ पे बस नहीं है, ना ही रेलवे है, ना मेट्रो का तो काम चालू है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पर ओला है भाई, ओला का हड़ताल चालू है। और क्योंकि हम इंडियन है, भारतीय है, और हम चाहते हैं कि हम भारत के कंपनी का ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करें, ओला है हमारे भारत के, बहुत गर्व से हम कहते हैं, लेकिन प्लीज़ कुछ चीज़ें इसको बदलो, वरना चलता रहेंगे ऐसा। मैं रोस्ट भी वैसे ही करता रहूँगा, वैसे मुझे सब्जेक्ट तो चाहिए ही था, और ये ओला ने मेरा शुभारंभ किया, मतलब मेरे अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे चैनल पे, बहुत बोर है, मतलब व्यूज़ ही नहीं आ रहे, पर शायद इस वीडियो पे व्यूज़ दबा के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती ना, प्लीज़ कमेंट में आपने किससे भी बताना, और हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे और एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे कमेंट्स को लेकर। तो मैं यानी MBK चलता हूँ, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो भी रोस्टिंग का ही होगा, फनी होगा, और इससे भी ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। तो मुझे क्या कहते हैं यार, मतलब मैं डायलॉग ही बोल जाता है यार, क्या था स्क्रिप्ट में, इजाज़त भाई, इजाज़त। ओके, मुझे इजाज़त दे दो, थैंक यू, मुझे इजाज़त दे दो दोस्तों, और सॉरी अगर एंडिंग को ज़रा प्रॉब्लम हो गया होगा तो, अदरवाइज थैंक यू गाइस, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा, बस ख्याल रखिएगा, बहुत ख़राब टाइम चल रहा है इस टाइम का, थैंक यू।
Tell that ghetto blaster.